जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा स्नैक बाइट का भी एंटीरोज इंजेक्शन उपलब्ध है, जिसके संबंध में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव ने बताया कि जिला अस्पताल में कुत्ते के काटने के मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रतिदिन करीब 100 की संख्या में कुत्ते के काटने के मरीज आ रहे हैं और रेबीज का इंजेक्शन लगाया जा रहा है तथा गाइडलाइन के तहत चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सभी CHC और PHC पर सांप काटने का एंटीडोज इंजेक्शन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले वह अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर सांप काटने का भी एंटीडोज इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सांप काटने पर सबसे पहले उसे कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए और उसके बाद किसी भी CHC PHC पर जाकर एंटीडोज इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव ने कहा, कुत्ते काटने का मरीज आ ही रहे हैं, पहले से थोड़े कम है। इस समय नए और पुराने दोनों मिलाकर लगभग 100 की संख्या रह रही है, उनको एआरवी की इंजेक्शन लग रहे हैं। सर, अगर सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जिला अस्पताल आने के लिए जहरना फिर क्या उपाय करेंगे? नहीं, जो रिसेंट गाइडलाइन आई है उसमें यहाँ पर सबको फॉरवर्ड कर दिया है। उम्मीद है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से भी सभी CHC PHC को फॉरवर्ड कर दिया गया होगा। उसमें कैसे इंजेक्शन लगना है, कब लगना है और पहले जो तरीका था कि उसको ऊपर बांध देना है, कर देना है, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। एकदम लगभग 2 पन्ने की गाइडलाइन है और उसको सबको प्राप्त है। जहाँ तक ASV इंजेक्शन की बात है, ये CSC लेवल पे भी उपलब्ध रहती है। जहाँ भी फ्रिज की व्यवस्था है वहाँ उपलब्ध रहती है। हमारे यहाँ भी PSV है और जितनी जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको वो लगती है।